आज के दौर में सुर्खियों में रहने के लिए यंगस्टर्स रील्स का सहारा ले रहे हैं और रील बनाने के लिए सारी हदें पार कर दे रहे हैं। ऐसा ही मामला नोएडा में सामने आया है, जहां कुछ यंगस्टर्स पर गलत तरीके से रील बनाने के लिए पहले हजारों का जुर्माना लगा है, साथ ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। होली के दिन सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो देखने को मिली। इस दौरान एक वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो तेजी से वायरल होने भी लगा। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 78 का बताया जा रहा है, जिसमें दो लड़कियां स्कूटी में बैठकर नोएडा की सड़कों में स्टंटबाजी करते हुए अश्लील तरीके से होली खेल रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा है। स्कूटी पर पीछे बैठी लड़कियां एक दूसरे को अश्लील तरीके से रंग लगा रही हैं। ऐसा ही एक और वीडियो है, जिसमें एक लड़की चलती स्कूटी पर खड़ी होकर वीडियो बनाने की कोशिश करती है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये कोई पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी इन लड़कियों ने दिल्ली मेट्रो में ऐसा ही एक वीडियो बनाया था, जिसमें ये दोनों लड़कियां मेट्रो की जमीन पर बैठकर अश्लील तरीके से एक दूसरे को रंग लगाती हुई नजर आ रही हैं। उस वीडियो को डीप फेक वीडियो भी बताया गया था। ऐसे में इन वीडियोस के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस की ओर से वीडियो में दिख रही इन लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन को लेकर स्कूटी के खिलाफ 33,000 रुपए का चालान कर दिया। फिर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कई और तमाम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में 47,500 रुपए का एक और भारी जुर्माना इन पर लगा दिया। कुल मिलाकर आरोपियों पर 80,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही वीडियो में दिखाई दे रही प्रीति, विनीता और पीयूष को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर आपके लिए सीख है, क्योंकि अगर आप भी सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आप भी फेमस तो हो ही जाएंगे, मगर उसकी बड़ी कीमत आपको जरूर चुकानी पड़ेगी। साथ ही नोएडा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल आज का नोएडा को सब्सक्राइब करें।